हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट टू स्टार्ट करती हूँ। शुरुआत में सियोजान इन दिनों जो धमकी भरे SMS उसे मिल रहा है उसके बारे में लेकर वो थोड़ा परेशान थे। तभी वहाँ पर यांग आते हैं, जो याबो के बेस्ट फ्रेंड हैं। वो सियोजान से पूछता है, आप परेशान देख रहे हैं। यांग की आवाज सुनकर सियोजान उसके ओर देखा। यांग 2 सप्ताह पहले बीजिंग से वापस आया था। फिर यांग सियोजान से पूछता है, क्या हुआ, तुम मेरे फ्रेंड जैसे ही हो। तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक ही परेशान लग रहे हो। क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? तुम मुझे इसके बारे में कह सकते हो? याद रखना, तुम मुझे अपना फ्रेंड्स मानकर सब कुछ शेयर कर सकते हो। क्या बात है, बताओ समस्या क्या है? सियोजान सोचता है, मैं वास्तव में तुम्हें इन खतरों के बारे में बताना चाहता हूँ और तुमसे मदद भी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। ऐसे सोचते हुए वो कहाँ, ओह ठीक ही तो है, सच कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा थक गया था। तभी यांग कहता है, तुम जो भी कहो, लेकिन तुम्हारी बातों से ही मुझे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है तुम झूठ नहीं बोल पाते हो? बताओ भी क्या सिख रहे हो? तभी सियोजान ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मुझे पता था कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता और तुम भी मेरे झूठ पकड़ने में बहुत अच्छा हो। सियोजान के पास और कोई सहारा नहीं था, इसीलिए सभी SMS उसे दिखाए। यांग ने SMS को रीड किया और वो गुस्सा हो गया। सियोजान कहता है, मुझे पता था तुम गुस्सा जरूर होगे। तभी यांग कहता है, तुम ऐसी बात कैसे छुपा सकते हो? क्या होगा अगर वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? कौन जाने कि कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है। इतने मूर्ख क्यों हो? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मूर्ख हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? सियोजान कहता है, ये जो भी हो, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो मुझे धमकी देने के बजाय अब तक ऐसा कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी यांग कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? फिर यांग कहता है, क्या बात है, तुमने इसे छुपाया, ऐसा क्यों किया? तभी ऑफिस के अंदर याबो आते है। याबो यांग को एक कार्ड देते हुए पूछा। याबो कोई फॉरेन लोगों के साथ मीटिंग करते हुए यांग को एक इम्पोर्टेंट कार्ड देने के लिए वहां आया था। सियोजान याबो को मीटिंग से आते हुए देखकर वो सोचता है, मैं उनका PA होने के नाते उनकी सभी मीटिंगों में उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन मुझे इस मीटिंग में शामिल होने से रुक दिया क्योंकि इमली ने कहा कि यो उनके मेहमान थे और वो उनके साथ व्यवहार करना जानती है और मेरा वहाँ होना बेकार होगा। याबो ने इमली की विरुद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास हार मानने के अलावा और कोई सहारा नहीं था क्योंकि वो उसके मूर्खतापूर्ण तर्कों से नहीं जीत सकता। याबो ने फिर उन दोनों से पूछता है, तुम लोग क्या छुपा रहे हो? यांग कहता है, कुछ भी नहीं ब्रो, सब कुछ ठीक ही तो है। वो दोनों नहीं चाहते थे कि याबो को इसके बारे में पता चले क्योंकि यह उस पर दबाव डाल सकता था। सियोजान सोचता है, जब याबो को पता चलेगा कि उसके साथ रहने के कारण मुझे किसी ने ऐसे धमकी दे रहा है, तो उसे बेवजह फिक्र होगी, इसीलिए यही अच्छा है कि मैं उसे कुछ ना कहूं और वो दूसरी भी महसूस कर सकता है, इसीलिए बेहतर है कि हम इससे उससे छिपा ले। तभी याबो जोयांग से कहता है, क्या हुआ यांग, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मुझे कह सकते हो, क्या तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो? वहां पर कुछ सेकंड के लिए एक अजीब सी खामोशी थी। तभी जोयांग अपने दोस्त याबो से कहता है, कुछ नहीं ब्रो, बात यह है कि मैंने एक मीटिंग कैंसिल कर दी थी जो तुमने आज शाम प्लान किया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम बहुत थके हुए हो, लेकिन मैं यह बात तुम्हें बताने के लिए थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए मैंने इस बारे में सियोजान को भी छुपाने के लिए कहा था कि उसे मत बताना, बस ऐसा ही और कुछ भी नहीं है। तभी याबो ने इस बात को सच मान लिया और कहा, ओ ऐसा है, मैं तो डर ही गया था। तभी यांग मुस्कुरा रहा था। तभी याबो
यंग से कहता है, क्या बकवास है मिस्टर यंग, मीटिंग कैंसिल करके मेरे सामने ही ऐसे खड़े मुस्कुरा रहे हो। यंग कहता है, मैं इसलिए मुस्कुराया क्योंकि मुझे लगता है ब्रो तुम्हारे पास एक अच्छा पीए है। मुझे वास्तव में जलन हो रही है, वो बहुत परवाह करता है। तभी अब वो कहता है, जो यंग बेहतर होगा कि मैं तुम्हें मारने से पहले इसे रोक दो और बकवास मत करो। हाँ हाँ तुम सही हो, वो मेरी बहुत परवाह करता है। और सुनो, तुम्हें ऐसे जलन होने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हारे पास अधिकार नहीं है क्योंकि तुम तो खुद किसी को इतना देखभाल करने वाले नहीं हो। ऐसे कहते हुए वो यांग के कंधे पर थपथपाया। फिर यह वो यांग से कहता है, ओह यांग, जब तुम मेरे पीए से बात करते हो तो प्लीज तुम इतने नरम से बात मत करना। यदि तुम इस तरह उसके साथ उससे बात करोगे तो तुम तो उसे डरा ही दोगे क्योंकि तुम बहुत सीरियस होकर बात कर रहे थे, मुझे तो बहुत डरा दिया। उसे मत डराना। शोजान सोचता है, मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरा सपना सच हो रहा है, मैं याबो के साथ खड़ा हूँ। तभी यंग याबो से कहता है, अरे ब्रो तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुमने आज मुझे एक लड़के के लिए इंचल किया, ब्रो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ऐसे कहते हुए वो रोने का दिखावा किया, अपने हंसी को दबाने की पूरी कोशिश की लेकिन दबा नहीं पाया। शोजान भी उसके साथ हंसने लगा। भले ही यंग शोजान के सीनियर है लेकिन उसके लिए वो एक करीबी दोस्तों की तरह ही था। वांग याबो और यंग के बातों से शोजान का दिल हल्का महसूस हुआ और उसका दिमाग भी शांत हुआ। यह उन भावनाओं में से एक था जिसे वो जीना चाहता था। दोनों दोस्त एक दूसरे को सुनाते हुए हंस रहे थे और शोजान उन दोनों को देखकर खुश हो गई। याबो शोजान से कहता है, मिस्टर शोजान मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना होगा, क्या यह ठीक है अगर मेरे दोस्त यंग ही तुम्हें वापस छोड़ दे? यंग तुम शोजान को जाते समय साथ ले जाना, ठीक है? शोजान कहता है, माफ करना लेकिन मैं मिस्टर यंग को परेशान नहीं करना चाहता। मिस्टर यंग कहता है, यह कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि मैं भी स्काईलाइन के पास ही रहता हूँ, कोई बात नहीं तुम मेरे साथ जा सकते हो। तभी यह वो कहता है, तो ठीक है, यह तय है कि शोजान यंग के साथ जाएगा, अब मुझे जाना होगा। शोजान क्या मेरे पास कल कोई मीटिंग है? शोजान कहता है, हाँ कल सीईओ जिन के साथ आपके एक मीटिंग है। याबो कहता है, तो ठीक है अब मुझे जाना होगा। ऐसे कहते हुए वो शोजान के कंधे पर थपथपाया और डोर की ओर दौड़ा और जाते हुए उन दोनों की ओर देखकर एक क्यूचा स्माइल किया और बाहर से दूर बंद कर दिया। यंग कहता है, भले ही मेरे दोस्त सीईओ है लेकिन वो 5 साल के बच्चे की तरह सबके साथ खुल मिल जाते हैं, मुझे उसके लिए कभी कभी बहुत फिक्र होता है। शोजान सुबह 7 बजे उठा, नहाया, कपड़े पहने और दोस्त खाया। उसके बाद वो आज के मीटिंग के लिए अपना फाइल अरेंज किया। या वो आमतौर पर 9 बजे फोन करके बताया था कि वो जाने के लिए तैयार है। दोनों आमतौर पर लिफ्ट के पास या पार्किंग में मिलते हैं। 9:30 बज चुके थे और याबो ने अभी तक शोजान को फोन नहीं किया था। शोजान ने याबो को कॉल करने की कोशिश की। शोजान सोचता है शायद याबो बिजी है। जब शोजान ने अपने फ्लैट के डोर खुला तो सामने वांग याबो खड़े था। शोजान वांग याबो को देखकर सोचता है, वो यहाँ क्यों है? उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो परेशान में क्यों है? ऐसे सोचते हुए वो याबो से कहता है, गुड मॉर्निंग। वांग याबो कुछ सोच रहा था जब शोजान ने उसे आवाज लगाया तो वो अपने सोच से बाहर आया और शोजान के ओर घूरने लगा और कहा, मॉर्निंग शोजान। शोजान कहता है, मैंने आपको फोन किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। याबो कहता है, ऐसा है मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे कहते हुए याबो ने अपना फोन चेक किया। शोजान पूछता है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
याबो कहता है, मैं था, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बताओ क्या तुम तैयार हो? सुजन सोचता है, क्या मतलब मेरा इंतजार? यह मेरे लिए अच्छा बात है। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए ऐसे इंतजार करते हैं, तो एहसास क्या होता है वो मुझे आज पता चला। सच में मुझे अच्छा लगा। ऐसे सोचते हुए सुजन याबो से कहता है, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे कॉल कर सकते थे, तब मैं तुरंत आ जाते। याबो कहता है, मुझे तो पता ही है कि आप मेरे लिए ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको फोन ना करूं। सुजन ने समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है। याबो के चेहरा उदास था। तभी सुजन याबो से कहता है, मिस्टर वांग, क्या आप डोरबेल को देख सकते हैं? जब आप इसे इस तरह से दबाते हैं, तो मेरे घर के अंदर एक आवाज आते हैं, जिसके कारण मुझे पता चलता है कि कोई मेरे डोर पर खड़ा है। तो आप ऐसा कर सकते थे, आपने डोरबेल नहीं दबाया बल्कि मेरे डोर के सामने ऐसे उदास खड़े हैं, मेरे इंतजार करते हुए, बात क्या है? उसके बाद सुनकर याबो के चेहरे से वो उदासी दूर हो गई और उसने मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत क्यूट हो। सुजन ने पूछा, क्या आपने क्या कहा? याबो कहता है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमें चलना चाहिए, ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। इसके बाद दोनों साथ जाने लगा। तभी सुजन ने नोटिस किया कि याबो जिस रास्ते से जा रहे थे, वो रास्ता अलग है। सुजन पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि यह वो सड़क नहीं है जिससे हम रोज ऑफिस के लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि हम कंपनी में नहीं जा रहे हैं। याबो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, कोई है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। उसने अपनी कार रोक ली। बस 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा, तुम यहीं पर ही मेरा इंतजार करना, ऐसे कहते हुए वो जाने लगा। सुजन ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपना सर हिलाया। उस देर बाद याबो अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर वापस आया। सुजन पूछता है, क्या यह उस व्यक्ति के लिए है जिससे आप मिलने जा रहे हैं? याबो कहता है, हाँ। सुजन कहता है, ओह, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए वाकई खास है। याबो कहता है, हाँ बहुत ही खास, मुझे नहीं लगता कि मैं आज मीटिंग में शामिल हो सकता हूँ, आज के लिए इस मीटिंग को कैंसिल कर दो। सुजन कहता है, जरूर। लगभग 3 घंटे के बाद उन्होंने अपनी कार एक विशाल गेट के सामने रोक दी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत गेट खोला। सुजन पूछता है, क्या यह वो जगह है जहाँ वो खास व्यक्ति रहता है? याबो कहता है, हाँ। दोनों कार से बाहर निकला और आसपास का सीनरी देखने लगा। तभी याबो सुजन से कहता है, चलो चलते हैं। सुजन ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ याबो के पीछे जाने लगा। हवेली के अलग अलग हिस्से में काम करने वाले लोग उनका वेलकम करने के लिए डर पड़े। याबो ने उन लोगों से बात किया, फिर चलने लगा। उसके बाद वो हवेली के पीछे एक बड़े पेड़ के पास रुक गया। वो वही पेड़ के सामने खड़ा हो गया। ऐसे देखते हुए सुजन भी उसके पास ही खड़ा हो गया। पेड़ से बंधी एक काले संगमरमर की नक्काशी थी जिसमें लिखा था, मिस्टर एंड मिसेस वांग। याबो कहता है, यही दो खास लोग है जिनसे मैं मिलने आया था, वो दोनों यहाँ शांति से सो रहे हैं। उसने पेड़ की ओर इशारा किया। याबो कहता है, 19 साल हो चुका है, 19 साल पहले ही जब मैं 7 साल का था तब उनका निधन हो गया। यह एक घातक कार दुर्घटना थी और मैं अकेला बच गया था। मुझे नहीं पता कि भगवान ने मुझे क्यों बचाया। जब उन्होंने मेरा देखभाल करने वाली अपने माता पिता को ही छीन लिया, तो उसने मुझे क्यों बचाया? वो लोग जिन्होंने मेरे दुख में मेरे साथ दिया था और मुझे बहुत प्यार करते थे, ऐसे कहते हुए याबो
रोने लगा। शिवजान ने धीरे से उसकी बाहों को सहलाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। वो शिवजान के ओर मुड़ा, तभी शिवजान ने उसके कोमल गालों को सहलाते हुए उसके आंसू पोंछने लगा। शिवजान की भी हालत रोने की जैसा हो गया। जब शिवजान को एहसास हुआ कि उसके आंखों से भी आंसू आ रहा है, तो वो आंसू तुरंत पोंछ लिया।